Killing spree for the rich. Hey guys, this is KU Exotic Gaming. Welcome back to a new video. So guys, आज की ये वीडियो होने वाली है जिगल मूवमेंट के ऊपर. एंड इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को 2 सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिगल मूवमेंट की, जो जोनाथन की गेम प्ले से मैंने एनालाइज किया है. एंड ये आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगी आप लोगों की अपनी जिगल मूवमेंट इम्प्रूव करने में. इवन आप लोग भी जोनाथन की तरह जिगल कर पाओगे. नॉट एग्जैक्टली लाइक जोनाथन, बट आप लोगों की सिमिलर टाइप की जिगल हो पाएगी. एंड ये भी मैं आप लोगों को हैंड कैम के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ. इसलिए गाइस वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना, बिकॉज जो 2 पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, वो YouTube पे शायद ही किसी ने बताया होगा. बिकॉज मैंने काफी सारी जोनाथन की गेम प्ले को एनालाइज करने के बाद ये 2 पॉइंट मुझे पता चली है. तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. तो गाइस हमारी पॉइंट नंबर 1 ये कि जब भी आप लोग जिगल करना स्टार्ट करो तो आप लोग पहले वन साइडेड मूवमेंट दो, देन थोड़ी लॉन्ग जिगल करो, देन उसके बाद जैसे नॉर्मल जिगल होती है आप लोग वैसे ही जिगल करना. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते, मैंने पहले वन साइडेड मूवमेंट की एंड जो मेरी फर्स्ट जिगल थी वो थोड़ी लॉन्ग थी, देन उसके बाद मैं नॉर्मल जिगल करने लग गया. तो इससे क्या होगा, मेरी जो मूवमेंट है वो थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी. बट कुछ बंदे करते ही है, वो अपनी जॉयस्टिक को रैंडमली फास्ट लेफ्ट राइट करते रहते पागलों की तरह. इससे वो सोचते कि उनकी मूवमेंट सबसे फास्ट होगी एंड जिगल भी काफी अच्छी होगी, बट इससे उनकी मूवमेंट होती ही नहीं, वो एक जगह पे रुके रहते, अनबंदे उन्हें किल करके निकल जाते. तो आप लोगों को ये वाली मिस्टेक को अवॉइड करनी है. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सिंपली आप लोग वैसे ही जिगल करना. पहले आप लोग वन साइडेड मूवमेंट देना, देन जो फर्स्ट जिगल है आप लोगों की वो थोड़ी लॉन्ग करना, देन उसके बाद नॉर्मल जिगल कर लेना एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. तो ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, ये मैंने जोनाथन की गेम प्ले को नोटिस किया था, ये वाली चीज कि जोनाथन पहले वन साइडेड मूवमेंट देता है, देन वो जो फर्स्ट जिगल होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है कंपेयर टू अदर जिगल, उसके बाद जो होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है. तो आप लोग भी ये वाली पॉइंट को अप्लाई करके देखना, आप लोगों की मूवमेंट है वो भी अनप्रेडिक्टेबल एंड अनट्रेसेबल हो जाएगी. बिकॉज इससे बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई बंदा करना क्या चाहता है, वो वन साइडेड मूवमेंट देने वाला है या फिर लॉन्ग जिगल करने वाला है या फिर शॉर्ट जिगल करने वाला है. तो ये वाली ट्रिक आप लोग भी अप्लाई करके देखना, आप लोगों की मूवमेंट अनट्रेसेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी. तो गाइस अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया कि मैं एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूँ, तो चलो मैं अब आप लोगों को हैंड कैम के थ्रू से एक्सप्लेन करता हूँ, इससे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा. तो सबसे पहले देखो आप लोगों की जो लेफ्ट आर्म है, इससे आप लोग जो अपनी जॉयस्टिक को मूव करते हो, पहले आप लोग एक स्ट्रेट लाइन पे अपनी जॉयस्टिक को मूव करो. इससे क्या होगा, आप लोग एक प्रॉपर लाइन पे जिगल करोगे. अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जोनाथन जिगल कैसे करता है. पहले वो वन साइडेड मूवमेंट देता है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने लेफ्ट साइडेड मूवमेंट दी, देन उसके बाद जो मैं राइट साइड गया वो थोड़ी लॉन्ग जिगल की, उसके बाद की जितने भी जिगल थे मैंने डिसेंट लेंथ की जिगल की, जो नॉर्मल लेंथ होती है जिगल की मैंने उतनी ही जिगल की, वो भी एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड से. बट कुछ बंदे करते क्या, वो इतनी फास्ट अपनी जॉइंट को लेफ्ट राइट करने लग जाते हैं ना, तो उससे उन्हें लगता है कि भाई हमारी मूवमेंट है, हमारी जो जिगल है वो फास्ट हो रही, बट एक्चुअली में उनकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती. एंड यही मिस्टेक वो करते रहते, इस वजह से वो फिर जाते हैं, उनकी मूवमेंट भी अच्छी नहीं होती. तो अभी आप लोग केयरफुली देखना कि आप लोगों को जिगल कैसे करनी है. आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को जिगल करने को कहा है, तो क्या उससे आप लोगों की मूवमेंट फास्ट होगी. तो देखो ये जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने जोनाथन की गेम प्ले को ही देखकर बताया. तो ये जोनाथन की हैंड कैम रही, आप लोग जोनाथन के थंब को देखो, जोनाथन अपने थंब को कितनी फास्ट मूव कर रहा है फास्ट जिगल करने के लिए. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जोनाथन अपनी थंब को डिसेंट स्पीड से मूव कर रहा है जिगल करने के लिए, बट फिर भी जोनाथन की जिगल कितनी फास्ट होती है. तो अब समझ आया आप लोगों को, अपनी जॉयस्टिक को ज्यादा फास्ट मूव करने से आप लोगों की जिगल फास्ट नहीं होगी, एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड से आप लोगों को मूव करने से अपनी जॉयस्टिक को आप लोगों की जिगल फास्ट होगी. अगर आप लोगों को जिगल से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम होती है, लाइक जिगल के टाइम पे एम नहीं कर पाते या फिर सामने वाले बंदे की आप लोग जिगल नहीं ट्रेस कर पा रहे, तो आप लोग ये सारी वीडियो चेकआउट कर लो, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो चेकआउट कर लो, आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी. तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक, चैनल के लिए सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना.